सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है जयनगर प्रखंड अंतर्गत देवधा मध्य में, जहां हम मिलते हैं यहां के सरपंच उम्मीदवार अब्दुल हमीद उर्फ मस्तान जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद मस्तान हुआ। मस्तान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। आप यहाँ सरपंच के उम्मीदवार हैं, आप बताएं कि सरपंच का चुनाव लड़ने का आपने फैसला क्यों किया? यहाँ जो है देख रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा सारा जो है मामला जो है उलट पुलट है। गरीबों के साथ जो है मान लीजिए कि बहुत सारा बात हो रहा है। मतलब ये आपका कहना ये हुआ कि गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होता है? नहीं होता है। तो आप इसको, इस मामले को देख करके आपने खुद फैसला लिया कि आप सरपंच बनेंगे? हाँ, क्या लग रहा है आपको, आवाम का साथ कितना है आपको? डोर जो है मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी हमारा साथ दिया है। साथ दिया है और तो मतलब जो है चुनाव के लिए वही लोग कहा कि आप लोग आइए। मतलब ये है कि आपका कहना ये हुआ कि आप इस चुनाव को खुद नहीं बल्कि जनता के कहने पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर जनता आपको जिता देती है, कामयाब करवा देती है, आप सरपंच बन जाते हैं, तो फिर गाँव वाले का क्या फायदा होगा? क्या ये थाना नहीं जाएगी? ये मामला बहुत हद तक जो है मान लीजिए पंचायत में ही हम लोग निपटारा करेंगे, ये उम्मीद रखा जाए। हाँ, रखा जाए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सरपंच बनने के बाद चाहे वो पासपोर्ट हो 2500 से 4500 रुपया, 4000 रुपया, गांव में पंचायती हो तो तू पैसा जमा करो तो पंचायती हो जाएगा, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? एकदम बिल्कुल घुसखोरी बंद हो जाएगा, कम से कम गरीब आदमियों को जो है नहीं सताया जाएगा। अगर यह बात है तो आप हमारे इस हिंदुस्तानी मीडिया लाइव चैनल से आप वादा करें और बताएं आप अपनी जनता को कि मैं आपके साथ जो वादा कर रहा हूँ वो निभाऊंगा, और आपको जो भी अपील करना चाहिए आप। हम हमेशा जो है मान लीजिए वादा करते हैं कि जनता के साथ न्याय ही होगा और जो है उनके साथ जो मजबूरी जो है आएगा उसको भी हल करूंगा पंचायत में ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ बैठे हैं एक अहम शख्सियत मधुबनी से, जो लाइफलाइन हॉस्पिटल के सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, मुश्ताक अहमद उर्फ मुनचुन जी। और अजब इत्तेफाक है कि जब मैं यहाँ देवधा आया तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। मुनचुन जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। पहले तो स्वागत मैं कर रहा हूँ, अब आप ये बताएं कि आप देवधा में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले शाहिद भाई आपका शुक्रिया देवधा मध्य आने के लिए, जो ये जयनगर प्रखंड अंतर्गत देवधा पंचायत आता है। लगभग हम तो देख रहे हैं कि ये 5 साल में लगभग मामला यहाँ से लेकर और मधुबनी तक हमको कहीं ना कहीं ये मामला सब टैग हुआ। टैग होने में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं पासपोर्ट में कुछ बिचौलिया लोगों ने, कुछ ऐसे गांव में छोटा मोटा मामला भी थाना में जा कर के भी मामला, बहुत ज़्यादा आदमी परेशान है और कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो रहा उसका मामला। इसलिए हम लोगों ने मशवरा किया था 2 महीना पहले, हम भी वहाँ बैठ करके इनको बताए कि देखिए आपका देवधा का मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आप लोग कुछ अच्छे आदमी को आप लोग अपने ही बैठ के और एक अच्छे उम्मीदवार को आप लोग यहाँ एस्टेब्लिश कीजिए, जिससे इस जनता को सारा मामला, वो पासपोर्ट का मामला हो या गांव में छोटा मोटा मामला हो या किसी के लड़की का मामला हो, कोई भी मामला हो, जो आप लोग ऑन द स्पॉट बैठ के देवधा में ही इस मामला को और ग्राम पंचायत और कचहरी जो सरकार कायम किया इसका फ़ायदा लीजिए। और सरकार ने सरपंच को पूरा पावर दिया है कि बहुत सारा मामला है जो आप अपने पंचायत में रख के इस मसला का समाधान कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे भाई साहब हामिद मस्तान साहब है, जिनको इन लोगों से हमारी अपील है कि आप पूरा हर आदमी हर वर्ग के लोग चाहे जो भी मतदाता है एक एक वोट देकर और इनको जिताइए। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि अगर हामिद मस्तान देवधा पंचायत के अगर सरपंच बने तो 110% ये फुल्ली गारंटी है इंशाल्लाह इंसाफ का काम होगा। एक सवाल है कि आप हामिद मस्तान या हामिद मस्तान क्या नाम है? हामिद मस्तान। हामिद मस्तान, आप इनकी हिमायत में देवधा पहुंचे हैं, क्या रिश्तेदार हैं आपके? ये हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत खास रिश्तेदार हैं और बहुत दिल से हमको चाहते हैं और मानते हैं। चलिए, आपने वक्त दिया, अगर आप समाज की सामाजिक खिदमतगार भी आप हैं और अगर आपके दिल में देवधा मध्य पंचायत के लिए इतनी मोहब्बत है, इसके लिए यहाँ के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहाँ के जनता से मेरी एक और अपील है कि मेरा एक हॉस्पिटल है लाइफलाइन हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत से टैग है, और इससे पहले भी बीपीएल परिवार जितने भी गरीब हैं उनको 1 रुपया भी इलाज में खर्च नहीं होगा, और वो अगर हमारे हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं
तो जो भी जनता है उनका इलाज मैं फ्री में करूंगा। बहुत ये पूरा जिला का ऑथराइज हॉस्पिटल लाइफलाइन हॉस्पिटल है जो मधुबनी में है। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ सभी जनता से कि अगर आप अगर ऐसे सरपंच साहब हैं और जो भी है आप लोग के सामने अगर ऐसे लोग बनते हैं तो इंशाल्लाह मैं सबका इलाज इंशाल्लाह करेंगे जहाँ तक होगा। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।